आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनारे डॉक्टर जेलिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आइए प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारी विवाह की व्यवस्था के बारे में। विवाह के बारे में मैं थोड़े थोड़े से हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ, अब हमको बताना है विवाह। विवाह जो है, विवाह में हमारी 12 स्वगत घटक होता है। हमारी कुटुंब में व्यवस्था में 12 सगा घटक होता है। अब इस 12 सगा घटक से निर्भर होके हमारा जीवन चलता है। आज हम हालांकि बोल देते हैं लोग कि हमको किसी से लेना देना नहीं है कहेंगे। आज जिसको हम जाति पाति का जो जातिवाद कहते हैं, वो जातिवाद नहीं था, वो हमारी 12 सगा घटक था। इसलिए हमारी हर नेंग दस्तूर में इन सभी 12 सगा घटकों की जिक्र किया जाता है। मैं हर हमेशा, मेरा स्पीच रहता है, हर हमेशा मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि एसटी एससी ओबीसी जो है, हमारी यह तीन वर्ग की जो समुदाय है, समाज है, ये जो तीन वर्ग है वो हम आपस में एक है। और इसी तीनों वर्गों को आज हम 12 सगा घटक कहते हैं। आज हमारी जो सामाजिक परिवेश है, छुआछूत जाति पाति कैटेगरी इसमें आके बट गया है, लेकिन ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हमारी गुंडवाना गुंडियन मैथोलॉजी में 12 सगा घटक क्या है, इसके बारे में हम इस विवाह की व्यवस्था के बारे में आएंगे। जैसे विवाह होता है तो विवाह में हमारी मातृशक्तियों के द्वारा विवाह का गीत गाया जाता है। विवाह का गीत गाया जाता है, अलग अलग अंचलों में अलग अलग प्रकार से गाया जाता है। तो मैं हमारे छत्तीसगढ़, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का ही निवासी हूँ, छत्तीसगढ़ में ही मेरा जन्म हुआ है वर्तमान समय में, तो मैं छत्तीसगढ़ का ही परिवेश के बारे में और इस छत्तीसगढ़ ही की परिवेश के बारे में, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से हम अपनी 12 सगा घटक को देखते हैं, हम उसके बारे में। तो विवाह में बिहाव गीत होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में बिहाव गीत होते हैं। तो बिहाव गीत में स्पष्ट उल्लेख है, जमाना गीत में स्पष्ट उल्लेख है 12 सगा घटक के। तो चलो वो 12 सगा घटक के बारे में बताओ। बिहाव गीत में कहां वारे हरदी तोरे अन मन जन मन, ये तोरे अन मन जन मन, कहां वारे हरदी तैली तारी, बारह महीना ले दीदी हरदी ल सोचे, ओ दीदी हरदी ल सोचे, सोचे दाई मेरा चेव बिहावी, कहां वारे हरदी तोरे अन मन जन मन, कहां वारे हरदी तोली तारे, मरारे बारी तोरे अन मन जन मन, बनिया दुकाने तेरी तारी, बारह महीना ले दीदी कर सला सोचे, उदाई कर सला सोचे, सोचे दाई मेरा चेऊं बिहारी, कहां वारे करे सा तोरे अन मन जन मन, कहां वारे करे सा तैली तारी। इस प्रकार से हमारी जो बिहाव गीत गाए जाते, बिहाव गीत में बकायदा हरदी माँ बनिया मरार के जिक्र होते, बनिया समुदाय के मरार समुदाय के जिक्र होते, करसा माँ कुम्हार समुदाय के जिक्र होते, और
पर्रा बिंजना मा कनरा समाज के जिक्र होते, भरुआ मा बैगा समाज के जिक्र होते, उसी प्रकार से कपड़ा मा कोष्टा समाज के जिक्र होते, चुलमुंदरी मा लोहार समाज के जिक्र होते। तो ये प्रकार के जे विवाह के नेग मा जतना हमार समान लगते, यानी जे नेंग दस्तूर मा जतका हमार सामग्री और समान लगते, अब वो सबो समान हा अलग अलग समाज के सोदे, अब ओखर वजह से अलग अलग सगा के सगा घटक के वहां सम्मान करे जाता, जिक्र करे जाता। एकर से का तात्पर्य है एला पहली बता। भाई मैं पहली भी कह हूं कि हम जे निर्भरता एक दूसर के ऊपर निर्भर हो कि जिंदगी ही हमार सामाजिक या हमार कुटुंब जिंदगी, और आज एकर बगैर कोई नहीं जी सकता। कोई व्यक्ति ऐसे यहाँ संभव नहीं है कोई वो अकेला व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ कह के व्यक्तिगत जीवन जी सके। व्यक्तिगत जीवन कोई नहीं जी सके भैया। तो हमार जो जिंदगी है निर्भरता की जिंदगी है, और आज हमारो हर नेम जो में जमारा हो, चाहे विवाह हो, चाहे पीढ़ी पुजई हो, चाहे छठी हो, चाहे मरनी हरनी हो, सब माँ ये 12 सगा घटक की जिक्र होते। अब ये 12 सगा घटक के जिक्र होते, और एकर से ये सिद्ध होते कि हम सब एक हैं। और आज हमारे बीच में ये जाति पाति के भेद ला डाल के हमला अलग करे जाते, और ये अलग काबर करे जाते कि ये ताकि अलग करके हमार ऊपर उमन है शासन कर सके, हमार ऊपर उमन है राज कर सके। एकर वजह से हमला सबला अलग करे जाते। हमन परंपरा से एक हन, नेम दस्तूर से भी एक हन, देवी देवता से भी एक हन, जीवन शैली से, बोल चाल से, परिवेश से भी सब हम एक हन। तो हम अलग कहां हन ये बताओ। जेन मड़वाला काट के लातन, करसा लातन, और जेन गीत ला हमन गोड़ घर गाए जाते, वही हा मरार के घर भी गाए जाते, वही हा तेली के घर भी गाए जाते, वही हा सतनामी के घर भी वही विधि ला करे जाते। तो जेकर से हम ये सिद्ध हो गए कि हम सब एक हैं। और एला कई जन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ की ही बात में, सभी राज्य में जाके देख वहां की परिवेश के आधार पे, चाहे कोई भी समाज बसा हो वो परिवेश के आधार पे वो अपना नेंग दस्तूर, वहां की मूल निवासी जो मूल कल्चर है, मूल परंपरा है, उसके आधार पे, मूल कर जो प्रथा है उनके आधार पे चलती। अब आप बताओ मोला कि ऐसा जन हम करथन नेंग दस्तूर, और ऐसा देवी देवता वैसन गाना गाथन, वैसन का कोई आज ब्राह्मण के घर में होते ऐसा? उन तो मंत्र ल पढ़ते संस्कृत में, वो शादी ल कर देते, ऐसन होते नहीं हो। ऐसन काम का मुस्लिम के घर में होते, मड़वा काटते, अब ये सब जो हम गीत गातन, अब ये सब तेल हरदी चढ़ातन, डारा चाहतन, ऐसन होते नहीं। ऐसन काम का ईसाई मन के घर होते नहीं हो। काबर नहीं हो? काबर वो जे उनकी परंपरा, उनकी जो मान्यता, उनकी धर्म अलग है, और वह अलग है। यहाँ के मूल परंपरा नो है, वो बाहर से परंपरा लाए आए विदेशी आक्रांता आए, जिनके साथ में वहां की परंपरा और वहां की संस्कृति यहाँ पे आए, उन लोग इस संस्कृति को अपने हिसाब से मनवाने लगे, और वो लोग हमारे शोषण करके लूटलाट के चले गए, और उनके प्रभाव में जो हमारे भाई बंधु आए, और वो जो उनकी प्रभाव में आने से उनके अनुयायी बने रहे, और वो आज तक उनकी परंपरा को पालन करते। आज जैसे अब हम बोल दें कि अभी के वर्तमान समय में जिन मुस्लिम हैं, ईसाई है, उल्ला हम कहो कि ये मुस्लिम ईसाई बाहर से आए हैं, तो ये हमारा सोच गलत है। आर्य ऐसे बोलबो तो यहू सोच हमार गलत। काबर कि आज हमार खुद के भाई, हमार आदिवासी समाज के, जैसे हमारे गुणियन समाज के,
खुद के भाई बहन ईसाई धर्म अपना ले, ईसाई धर्म के हिसाब से चला थे। कई जन गायत्री माँ अपना ले हैं, गायत्री के हिसाब से चला थे, हमारे दस्तुल्ला सबला छोड़ के। लेकिन वाय हमरे भाई, अब वो दूसरा धर्म के प्रभाव में आके वो धर्म के अनुयायी बन के ओला अच्छे लगी तो मैं जाके वो चलत। तो कहा हम अपन भाई ला आज के समय में विदेशी कही सकते। वो जो माना थे वो परंपरा विदेशी परंपरा है, वो कल्चर विदेशी कल्चर है, लेकिन वो मानने वाला आदमी विदेशी नो है, वो हमार भाई जो अपन मूल परंपरा ला छोड़ के विदेशी परंपरा ला अपना ले, कि अन्य परंपरा ला अपना ले। तो ये सब चीज के बारे में अपने लोगों को हमको समझाना है। और जो हमारी सामाजिक निर्भरता, सामाजिक संभावना कहते हैं जिसको, सामाजिक समरसता कहते हैं, हमारी कई लोग सामाजिक समरसता की बड़े बड़े बात करते हैं, हम तो कहते हैं हमारे सिस्टम में ही, हमारे व्यवस्था में ही सामाजिक समरसता है, सिर्फ उसको देखने की जरूरत है, उनको चिंतन मनन करने की जरूरत है। हमारी हर नेंजों में सामाजिक समरसता की बात कही गई, सामाजिक समरसता से भरा हुआ है हमारी प्रथाएं, हमारी परंपराएं, हमारी कल्चर, और उसको हमको समझना है, बस समझने का फेर है, बाकी उसी किस चीज का देर नहीं। तो ये जो है विवाह में हमारी 12 सगा घटक के बारे में मैं जिक्र किया हूं, और ये जो हमारी 12 सगा घटक है जिसके बारे में हमको जानना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं नेक्स्ट वीडियो में हर वो विवाह की जो बिहाव गीत, मतलब बिहाव गीत कहते हैं, वो बिहाव गीत मतलब पूरा पूरा गा के उसके सारांश का है, उसकी सार बात का है, एक बारे में भी बताए के प्रयास करूँ। फिलहाल आप सब वो जम्मू संगवारी मल्ला सादर सादर सेवा जोहार, जोहार गुणवाना, जय लंकेश।